आइए पापा, आप बैठिए। मैं भी रिंकी को बुला के लाता हूं। रिंकी। क्या है, किसका बैग है ये? किसको उठा करके लाया उस घर में? वो पापा आए हैं, भाई ने घर से बाहर निकाल दिया। वाह, तुम्हारे भाई से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और मुझे ये बताओ कि तुम किस खुशी में उनको उठा करके यहाँ पे लिया है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनका काम करूंगी? तुम्हें पता है ना कि इन बुड्ढों की कैसी आदत होती है, सुबह 5 बजे उठते हैं ये, और सुबह 5 बजे इनको चाय चाहिए होती है। तुमको पता है रमन गया हुआ है गांव में इतने दिन से, और सारा काम मैं संभाल रही हूँ। अब मेरे बस का नहीं है कि मैं एक और इंसान का बोझ उठाऊं। और ये घर ना तुमने अपनी मेहनत से लिया है, उनके पैसों का नहीं है। तो मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। देखो, ये कोई वृद्धाश्रम तो है नहीं जो तुम अपने बूढ़े बाप को उठा के लिया है, और मैं यहाँ पे उनका काम करती रहूंगी। विनय, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकती इनका काम धाम। तुम इनको कहीं भी लेकर के जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी छोड़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और ऑलरेडी इतने सारे आश्रम खुले हुए हैं, तुम वहाँ पे क्यों नहीं लेकर के गए? मेरे सर पे ला करके बोझ रख दिया है। मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती और नहीं करूंगी। मैं क्या करूँ, पापा को फिर वापस भेज दूँ? कितनी बार बताऊं तुमको कि नहीं है मेरे बस की, किसी आश्रम आश्रम में छोड़ा हो यार। मैं नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। यार कम से कम चाय तो पिला दो यार, उसके बाद भेज दूंगा उनको। ठीक है, बना देती हूँ चाय मैं। पापा, आप? हाँ बेटा, मैं। रोशन ने मुझे घर से निकाल दिया। ये पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। क्यों? तो क्या करूँ, घर से ना भेजू तो परेशान हो चुका हूँ मैं। आपकी वजह से मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, और मैं आपको अब ज्यादा इस घर में नहीं रख सकता। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा इस उम्र में? अरे कहाँ जाओगे, इतने सारे वृद्धाश्रम खुले हैं, कहीं जाके मरो, लेकिन यहाँ से जाओ। मैं ना परेशान हो चुका हूँ, मैं डेली की लड़ाई नहीं देख सकता। आप निकलो यहाँ से, मुझे नहीं पता कुछ भी, आप निकलो। अरे बात सुन बेटा, घर का सारा काम मैं करता हूँ, एक किस्म का नौकर समझ के रख लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं घर का काम करता हूँ। मैं ना एक नौकर रख लूंगा, और आपको इस घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे ना, तब तक मेरी बीवी मेरे घर में नहीं आएगी। और ना आपके लिए अच्छा है कि आप यहाँ से निकल जाओ, कम से कम मैं खुश रह पाऊंगा। एक बाप की तरह सोचो, आपके जाने वाला आपका बेटा कितना खुश रहेगा, परवाह नहीं आपको? बेटा ये तूने आखिरी बात कही ना, कि बेटे के बारे में सोचो, वो खुश रहेगा, तो ठीक है बेटा, तू खुश रह, आबाद रह, मेरा क्या, मैं कहीं भी रह लूंगा। भगवान तुझे खुश रखे, सुखी रखे, देखा जाएगा। मैं चलता हूँ। हाँ निकलो, एक बार फिर सोच ले। अरे जाओ यार, दिमाग मत खराब करो, चलो निकलो। जिंदगी नरक बना दी इन लोगों ने मिलके मेरी। विनय, विनय बेटा, विनय मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे रोशन ने, मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे बेटा एक बार मेरे पास आ, मेरे से मिल। बेटा जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसी ने मुझे घर से निकाल दिया है। तू जल्दी आ, जहाँ भी आ तू जल्दी आ, प्लीज विनय, प्लीज जल्दी आ, जल्दी यार, मैं मर जाऊंगा नहीं तो जल्दी यार।
पापा जी क्या हो गया, आप यहाँ क्यों बैठे हो और क्यों निकाल दिया रोशन ने आपको घर से बाहर? कुछ समझ में नहीं आया, कहते मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई है। मुझे कह रहे कि या तो बीवी ने कहा होगा, या तो ये बूढ़ा खुशट यहाँ रहेगा या मैं रहूंगी। अब बता, उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया। मैंने तुझे राज की बात बताऊं, मेरे घर में जब औलाद नहीं थी, खासकर बेटा जब नहीं था, मैंने कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहाँ कहाँ नहीं जाके मन्नतें मांगी, तब जाके ये मेरे घर में हुआ। और आज इसने मुझको घर से निकाल दिया, सिर्फ इतना कि मेरी बीवी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने, मैं घर का सारा काम करता हूँ, हैं, जो काम भी बोलते मैं करता हूँ, एक नौकर की तरह घर में लगा रहता हूँ, फिर भी अपनी बीवी के कहने से मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे कैसे निकाल देगा? आप चलिए, मैं रोशन से बात करूंगा। आइए पापा जी, आइए। वो नहीं मानेगा। अरे मैं उसको समझाऊंगा, आप आइए। नहीं मानेगा। आइए आइए, मैं उठा रहा हूँ। आप नहीं मानेगा। आइए पापा जी, मैं रोशन से बात करता हूँ। ऐसे कैसे निकाल देगा वो? आपका पूरा अधिकार है उस घर में। मेरी बीवी नहीं मानती। आप बैठे गाड़ी में, ले लीजिए। भगवान तेरा भला करे। यार आप तो मैंने बाबूजी को घर से निकाल दिया। अच्छा करता हूँ। आओ पापा जी, आप आओ। आप रोशन, ये क्या बदतमीजी है? तूने पापा जी को घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तो आप इनके हिमायती बन के आए हो। हाँ, निकाल लिया। यार तेरे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? ऐसे क्या बात होगी कि तूने इस उम्र के अंदर उनको घर से बाहर निकाल दिया? क्यों ना निकालूं, एक बात बताओ, इनकी वजह से मेरे घर में डेली लड़ाई होती है। ये देखो चोट, मेरी बीवी मुझे मार के गई है और इस घर को छोड़ के गई है। कह रही है जब तक तेरे बाबू जिस घर में रहेंगे मैं नहीं रहूंगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यार शर्म आनी चाहिए, एक तो तू बीवी से मार खाता है और डर के मारे बाप को घर से बाहर निकाल रहा है अपनी बीवी को सुनाने के बदले। अभी तो कहता हूँ कि सब सुकून से हो जाएंगे अगर ये यहाँ से चले जाएंगे, मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी। आपको पता नहीं वो प्रेग्नेंट है, अभी मेरा काम उनका ध्यान रखना, ना कि अपने बाप के बारे में सोचना। अच्छा, बाबू जी ने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी तो अब तुमको घर से बाहर निकाल देगा। इनकी यही सबसे बड़ी गलती थी, अगर सारी जायदाद इनके नाम होती ना तो तुम इनके पैर भी दबाता और इनकी सारी इच्छाएं भी पूरी करता। ओ जीजा, गलत फहमी मत जियो कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। ये प्रॉपर्टी तो मेरी माँ ने मेरे नाम किया है, अगर इनका बस चलता ना तो ये आधी प्रॉपर्टी रिंकी के नाम कर देता। हाँ रिंकी, वो भी तो इनकी बेटी है, उनको बोलो बुढ़ापे में इनकी सेवा करे, वो भी तो रख सकती है ना। एक काम करो, आप इन्हें अपने घर ले जाओ। ओए बात सुन, हम लोग ना बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और तू कहता है वहाँ पे जाके रहो। और ये बात और भी सुन ले, तू कह रहा है कि माँ ने तुझे जायदाद दी, और माँ को किसने दी थी? सारी जायदाद मैंने अपनी बीवी के नाम कर दी उसके प्यार में, और ऐसा ही तू कर रहा है उसके प्यार में, पछताएगा। तभी तो कहता हूँ अपनी इज्जत बचा लो, जाके किसी वृद्धाश्रम में रह लो, कम से कम सुकून से रह तो पाओगे। रोशन, इतने बुरे दिन है बाबू जी के, वो वृद्धाश्रम के अंदर जाके रहेगी, उनका बेटा भी जिंदा है। बाबू जी अब मेरे साथ चलो, आप हमारे साथ रहना, कुछ नहीं होता, आप मुझे अपना बेटा समझो। काश इस नलायक की जगह ये मेरा बेटा होता। अब बन गए ना, जाओ रहो। ये मेरे को यहाँ पे ले आया, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ धक्के खा रहा होता। ये देवता बन के आया बेटा, देवता बन के आया, यहाँ ले आया। विनय, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे पापा को घर लेकर के आए हो? अरे वही तो बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से, पर तुम सुन कहाँ रही थी, बस बक 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 बोले जा रही हो। अरे तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे भाई रोशन ने तुम्हारे पापा को घर से बाहर निकाल दिया तुम्हारी भाभी के कहने पर, और इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेके आ गया
कि इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे, कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे। इससे अच्छा ये हमारे साथ ही रह लेंगे, हम दोनों ही तो रहते हैं खाली इस घर में, तो हमारे साथ ही रह लेंगे फिर। पर बेटा रिंकी, जो अंदर आपकी बातें हो रही थी ना, उसको सुनकर ना मेरी, मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मैंने यही संस्कार दिए थे तुमको, यही कुछ समझाया था। अरे बड़ों की इज्जत करना सिखाया था, बड़ों को रिस्पेक्ट देना सिखाया था। देखो रिंकी, तुम भी वही नहीं कर रहे जो रोशन की बीवी कर रही है, तुम भी तो उसी तरह बिहेव कर रही हो, हैं? पहले सोचती रही कि उसके पिताजी हैं, पर तेरे पिताजी हैं तो फर्क है। अरे बेटा, बाप बाप है, चाहे उसका बाप है चाहे मेरा बाप है, आपको वही रेस्पेक्ट, वही इज्जत देनी चाहिए, हैं? देखो रिंकी बेटा, जब शादी होती है ना, तो ये सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ की शादी का मतलब नहीं है। इसमें दो परिवार आपस में जुड़ते हैं, पति का पत्नी के माँ बाप के प्रति और पत्नी का पति के माँ बाप के प्रति सेम बिहेवियर, सेम रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और भला हो इस इंसान का, इनकी मेरी बात सुनो ध्यान से, भला हो इस देवता पुरुष का, हैं? इतनी सारी बातें होने के बावजूद, इतना कुछ सुन के भी, कोई और होता ना मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। ऐसा आदमी तो पता नहीं लाखों में एक होता होगा, ऐसा आदमी ऐसा पति सबको दे। बेटा तेरे को शर्म आनी चाहिए अपने किए पे। आई एम वेरी सॉरी अबाउट यू रियली। विनय, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है अपनी इस हरकत पे। जिस तरीके से मैंने बोला, तुम्हारे साथ बात करी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, पर हो सके तो प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके रिंकी, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। वैसे एक बात बोलूँ, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी सोच को जान के। जो तुम बोल रही थी ना अंदर मेरे पापा के बारे में सोच के, यार सच में मैंने कभी तुम्हारे माँ बाप में और अपने माँ बाप में कभी अंतर नहीं समझा। शादी के बाद मैंने तुम्हारे पापा को भी अपने पापा की तरह समझा, इसीलिए इनको यहाँ लेके आ गया। क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, इसमें माँ बाप का क्या कसूर अगर बच्चे नालायक निकले तो। और प्लीज़ आगे से कभी ऐसे मत करना, अगर आगे से तुमने कभी ऐसा किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं पूरी तरह टूट जाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही बताने की कोशिश किया कि हमें हमेशा सबके माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो हमारे हों, चाहे वो हमारी वाइफ के या जो औरतें उनके हस्बैंड के। अक्सर यही होता है कि हमें लगता है कि हमारे माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारे सास ससुर है वही खराब है। और इस मेंटेलिटी को दूर करना है, हमें सबकी इज्जत करनी है। और अगर गलती से कुछ गलती हो भी जाए ना बड़ों से, तो हमें उनकी गलती को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि हम छोटे हैं। हमारा दायित्व है कि बड़ों की अगर कोई गलती हो गई है तो उसके ऊपर गुस्सा ना करें, उल्टा उनसे प्यार से बात करें। और बस यही बोलूँगा कि यार हमेशा हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और भी लेके आएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।